सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई मैसेजेस मुझे आए, IRCTC के बारे में वीडियो बनाया जाए, क्यों लेट हो रहा है, क्या समस्या है। तो मैंने वो बात आपके सामने खुले दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, कि पिछले एक सप्ताह से मैं वास्तव में दोस्तों मैं श्रीशैलम मल्लिका अर्जुन के दर्शन के लिए गया था दोस्तों। बस वही भाव और उस श्रद्धा के साथ वहाँ से होते हुए आज ही फ्लाइट से पहुँचा यहाँ पर, और कुछ एक घंटे पहले ही पहुँचा हूँ और बस आपके सामने अब प्रस्तुत हूँ। मुझसे भी रहा नहीं गया दोस्तों, क्योंकि जैसे आप में बेचैनी है कुछ सुनने की, वैसे मुझ में भी बेचैनी थी कुछ बनाने की, यानी आज ये वीडियो बनाने का विषय। तो ठीक है, चलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ और एक ख़ास खुशी की दो तीन बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। पहले थोड़ी कुछ बात हो जाए जो खुशी की बात है और सभी के लिए है दोस्तों, मेंबर्स के लिए, इवन हमारे नॉन मेंबर्स के लिए भी आपको बताने वाला हूँ क्या बात है। पहली बात ये हुआ दोस्तों कि जो मैंने मल्टीपैकर दिया था उसमें तो ऐसा जोरदार प्रगति हुआ दोस्तों, एप्रिसिएशन जो पिछले 5 दिन में दोस्तों हमारा एक मल्टीपैकर स्टॉक 5 दिन में 40% का एप्रिसिएशन हुआ दोस्तों, 40% का एप्रिसिएशन 5 डेज, इट्स रियली रिकॉर्ड, एक हिस्टोरिकल पॉइंट हो गया दोस्तों, एक इतिहास रचा गया हमारे मल्टीपैकर स्टॉक के एप्रिसिएशन के बारे में, जो एक बहुत ही जोरदार बात है। और मैं बड़ी खुशी के और प्राउडली आई कैन से कि ये चीज़, ये कार्य हुआ। और जो लोग पिछले एक सप्ताह पहले जिन्होंने मल्टीपैकर लिया दोस्तों, बस एकदम खुशहाल रूप में है दोस्तों, सभी खुश, आप सब खुश तो मैं भी खुश, आपसे ज़्यादा मैं खुश, और क्या कहें दोस्तों। और जो नॉन मेंबर भी रहे दोस्तों, अगर आपको याद होगा मैंने 2 वीडियो पिछले कुछ एक दो महीने पहले बनाया था, बीच में हाल ही में बनाया था, लॉन्ग टर्म के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, वर्टोज एडवर्टाइजिंग का, वो उसकी उसका भाव उन दिनों में दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा दोबारा, 225 रुपये का शेयर्स था दोस्तों, आज देखिए 305 रुपया आज उसका क्लोजिंग रहा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप देखते हैं, मैंने पिछली बार अर्नो फैशन के बारे में वीडियो बनाया था, कुछ 88-89 के रुपीज़ के आसपास उसका भाव था, आज वही शेयर दोस्तों 96 टच करके 92 का क्लोजिंग दिखाया है। सभी नॉन मेंबर को भी फायदा, सभी इन्वेस्टर्स को फायदा, और हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ते गए हैं उन सभी को फायदा। तो बस यही कहना है दोस्तों इस बारे में आप सभी से, और उसी तरह से जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनको भी एक फ्री हमने जो खास रूप से दिया था दोस्तों 14 फरवरी के दिन मैंने एक खास मल्टीपैकर स्टॉक दिया था सभी मेंबर्स को, उसमें भी दोस्तों 30% से भी ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ है। बस यही सब खुशियां हैं, यही सब बातें हैं दोस्तों। और आज मैं आपको पर्सनली यही कहूँगा दोस्तों कि आप मल्टीपैकर स्टॉक जरूर लीजिए दोस्तों, और उसमें मैंने पहले भी कहा है कि 10% डिस्काउंट है टिल 31 मार्च, तो आप जल्द से जल्द मल्टीपैकर स्टॉक लीजिए दोस्तों, क्योंकि बाकी बस तैयारी में है जोरदार भागने की। बस इसी खुशी के साथ दोस्तों आपका ध्यान IRCTC की ओर ले जा रहा हूँ, जो अति उत्तम और सर्वोत्तम रूप में अब आ गया है। चलिए आपके लिए खास करके IRCTC का ये मेरा पार्ट 35 चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। और 32-34 में जो बातें कहा हूँ वो कुछ पॉइंट से जोरदार बात हुआ, और जैसे जो जो शब्द कहे हैं वो IRCTC के साथ काफ़ी मैचिंग होता हुआ कार्य कर रहा है आज भी। चलिए पहले आपको वर्तमान में ले जाता हूँ, और पिछला 34 में जो मैंने बात कहा था वहाँ से अब मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए पहले वर्तमान में आते हैं, फिर वहाँ से बात शुरू करते हैं। आज IRCTC का क्लोजिंग प्राइस देखिए दोस्तों 1961.10 एज ऑन 4th March 2021। मार्केट ट्विलाइजेशन दोस्तों मेरा पिछला देखिए और आज का देखिए 31,377.60 करोड़। अब आपका ध्यान ला रहा हूं उन बातों पे जो मैंने पिछले वीडियो पार्ट 34 में कहा था, और पार्ट 34 का आप ध्यान दीजिए दोस्तों, उस दिन वो भाव 12 फरवरी का 12th February के दिन इसका हाई गया था 1767,
1767.70, ये उस दिन का हाई था 12 फरवरी का। और आज तारीख 4 मार्च 2021 के दिन 2015 रुपया 2015.30 टच किया दोस्तों। एग्जैक्टली मोर देन 14% का एप्रिसिएशन हुआ है दोस्तों इस 20 दिन के अंदर ही। IRCTC सभी इन्वेस्टर्स को 14% का एप्रिसिएशन दिया है केवल 20 दिन में ही दोस्तों। यह सबसे बड़ी बात है और एक उपलब्धि भी है IRCTC का। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स, एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। मेरे एक एक शब्दों पे दोस्तों आज विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी मेरे शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जरा विशेष ध्यान और उन बातों को आप लागू भी करिए। खास रूप से इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए दोस्तों, ये जो 14% का एप्रिसिएशन हुआ, अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों कि अब ये फ्यूचर ऑप्शन में आ गया दोस्तों। अब फ्यूचर ऑप्शन में आने के बाद क्या होता है, एक थोड़ी सी इन्वेस्टर्स के साथ विडंबना आ जाती है। बात ये होता है कि आप जैसे सोचते हैं कि ये लेवल आ जाए तो मैं ये लेवल पे खरीद लूं, वो वैसा हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सुझाव सबसे पहले ये है कि आपका जो भी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट गेन करना है तो कम प्रॉफिट गेन करिए दोस्तों। हाँ, मेरे इन शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने मान लो आपके पास सब मिलाकर आज की तारीख में 100 शेयर है, किसी ने 1500 में लिया है, किसी ने 1600 में लिया है, किसी ने 1700 में लिया है और उन्होंने ले रखा है, तो कुल मिला के किसी को 20,000 का प्रॉफिट है, किसी को 30,000 का है, किसी को 40,000 का है, इस तरह से प्रॉफिट है। अब मान लेता हूं कि किसी ने 1750 में भी लिया है, फिर भी कुल मिला के प्रॉफिट तो सभी जगह है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट पाना चाहते हैं तो आप कम से कम शेयर बेच के प्रॉफिट निकालिए दोस्तों। जैसे आपका प्रॉफिट मान लो 20,000 का हुआ है तो आपको IRCTC केवल 10 शेयर बेचिए, आप 90 शेयर संभाल के रखिए। और उससे और कई गुना अच्छा ये होगा दोस्तों कि आप 5 शेयर सिर्फ बेचिए और 10,000 ही आप प्रॉफिट लीजिए और बाकी रखिए। आप पूछेंगे कि ये क्यों सर, क्यों प्रॉफिट पूरा ना निकाल लें। इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जब आपने ऊपर पे प्रॉफिट पे ले लिया, आपने शेयर 10 बेच दिया, आपने मान लो 2000 में बेच दिया आज ही के दिन, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपने फिर क्या सोचा है कि 1950 के नीचे आएगा या 1900 नीचे आए तब मैं फिर से खरीद लूंगा, यही बात है। अब क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शन में क्या किस लेवल पे तुरंत बाउंस हो जाए ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप 5 शेयर बेचिए और जब भी आपके बाइंग से 50 रुपए से 70 रुपए का डिफरेंस आता है आप वहां फिर वापस ले लीजिए और आप अपना 5 शेयर फिर से जोड़ दीजिए, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने पाया है उसको निकाल लिया आपने और फिर से उसमें री इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका 100 शेयर कायम रहना चाहिए और कोशिश करिए कि 101 हो जाए। आपके पास पहले 100 शेयर था, अब 101 शेयर है क्योंकि आपने 6 शेयर खरीदा। किस भाव में, जब 1950 में लिया या उसके नीचे लिया आपने, क्योंकि आपने बेचा है किस भाव में, 2005, 10 इस भाव में बेचा है। तो ये रणनीति सही रहेगी और ये इस पॉइंट और इस नीति के साथ आप चलेंगे तो सदैव आप IRCTC से पैसा कमाते रहेंगे और आपका वेल्थ भी मेंटेन रहेगा दोस्तों। आपका वेल्थ मेंटेन रहेगा इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बातें आप सदैव कायम रखिए। जैसे किसी ने 1400 या 1500 या 1600 में लिया है उसको कायम रखिए, आप 1600 वाला शेयर रहने ही दीजिए, 5-10 शेयर बीच बीच में प्रॉफिट करके निकलते रहिए और जब नीचे आए फिर से जोड़ दीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका वेल्थ भी मेंटेन रहेगा, शेयर्स भी मेंटेन रहेगा और जब ये धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है 2100, 2200, 2300 अच्छी बात है, क्योंकि आपने तो 1500-1600-1700 में ही लिया है। ये तरीका करना आपके लिए सही और सत्य सिद्ध होगा दोस्तों और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट और प्लस पैसा भी बनाएंगे मार्केट में और आपका
शेयर्स भी हमेशा मेंटेन रहेगा लॉन्ग टर्म वाइज। और मैंने सदैव यही कहा है दोस्तों कि IRCTC वो शेयर है जिसे लॉन्ग टर्म में आप रखिए बस, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा रखते हैं वैसे इस IRCTC के शेयर्स को फिक्स डिपॉजिट मान के छोड़ दीजिए, 5 साल 6 साल रहने दीजिए, और उतना ही शेयर आप रखिए जिससे आपको ज्यादा फर्क न पड़े। क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ेगा तो कभी पैसे की जरूरत हुई तो आप शेयर बेच देंगे। कोशिश करिए कि इसे कायम रखें। बस यही कहना था दोस्तों आज आपको और आपके नॉलेज के लिए कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। बस यही बात है दोस्तों, और बाकी तो हमारे सर्विसेज कायम है। हमारा पोर्टफोलियो मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी चल रहा है दोस्तों। रिस्क एपिटाइट में दोस्तों एडवांस रिस्क एपिटाइट भी आ गया है, वो भी सब कायम है। उसमें अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है दोस्तों, वो भी सब सर्विसेज जो हैं 31 मार्च तक उनके लिए डिस्काउंट लागू है दोस्तों। उसके बाद सभी समान हो जाएंगे, सब एक बात हो जाएगी। तो बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि जो हमारे सर्विसेज हैं खास करके मल्टीबैगर स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के साथ साथ हमारा एडवांस जो हुआ है वो है मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इन सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए दोस्तों, और आप इसके पार्ट बनिए, आप कमाएंगे और अच्छा पैसा मार्केट में बनाएंगे जिसे सभी लोग बना रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं।